हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट में। मैं हूं शशिकांत राय। आज हम आपसे बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं और इनका इस्तेमाल एक सेंटेंस में कैसे कर सकते हैं, ये भी हम जो है एग्जांपल के द्वारा देखेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको हमारा वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इससे पहले के वीडियो में हम आपसे जो है पर्सनल प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, डबल इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस और पैसिव प्रोनाउंस के बारे में बात कर चुके हैं। और अगर जिन्होंने ये वीडियो ना देखे हों, वो हमारे जो है चैनल पर जाकर के ये वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज के प्लेलिस्ट से जो है देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिनका प्रयोग स्वयं या खुद के लिए किया जाता है, और इनका प्रयोग एक खास सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, और वे सब्जेक्ट होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। जी हाँ, आई, वी, यू, दे, ही, सी के साथ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आई के साथ करते हैं माई सेल्फ का, ही के साथ करते हैं हिम सेल्फ का, सी के साथ करते हैं हर सेल्फ का, यू के साथ करते हैं योर सेल्फ का, दे के साथ करते हैं देम सेल्फ का, और वी के साथ करते हैं आवर सेल्फ का। और इन सब के मीनिंग खुद या स्वयं यही होता है। जी हाँ, चाहे ये किसी भी सब्जेक्ट के साथ रहेंगे, यानी कि अपने पर्टिकुलर जो इनके जो सब्जेक्ट बताए गए हैं पर्सनल प्रोनाउंस के, उनके साथ जब भी ये इस्तेमाल होंगे तो इनका एक ही मीनिंग आएगा, और वो होगा स्वयं या खुद से। तो आइए अब जो है देखते हैं इनके कुछ एग्जांपल्स और इनको समझने का प्रयास करते हैं कि एक सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल आप इंग्लिश बोलते समय कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इनके एग्जांपल्स। आइए देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल। पहला है आई डू दिस वर्क माई सेल्फ, मैं यह काम स्वयं करता हूँ। ही डज दिस वर्क हिमसेल्फ, वह यह काम स्वयं करता है। सी डज दिस वर्क हरसेल्फ, वह यह काम स्वयं करती है। यू डू दिस वर्क योरसेल्फ, आप यह काम स्वयं करते हैं। वी डू दिस वर्क आवरसेल्फ, हम यह काम स्वयं करते हैं। दे डू दिस वर्क देमसेल्फ, वे ये काम स्वयं करते हैं। तो आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के एग्जांपल्स देखे कि आप सेंटेंस में इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं, और आप अपने सब्जेक्ट और इसके साथ ही जो है बीच के स्टेटमेंट चेंज करके नए सेंटेंस इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की मदद से बना सकते हैं। हम अपने अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे एम्फैटिक प्रोनाउंस के बारे में। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।